हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो? आपका भाई आप ही के चैनल फिर से आ गए। दोस्तों, आज की जो ट्रिक्स रहने वाली है काफ़ी दिलचस्प रहने वाली है। दोस्तों, आप लोगों ने पूछा था, आप कमेंट में पूछा था कि आप हमेशा लेफ्ट हैंड बैट्समैन की ट्रिक बताते हो, बॉलिंग की ट्रिक बताते हो, क्यों ना आप राइट हैंड बैट्समैन की ट्रिक बताओ। तो आपका भाई एक्सपीरियंस अपने ऊपर करके मैं आज ऐसी ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जो आप फॉलो करोगे, आप 101%, चाहे आपके सामने सुहास हो सिक्स मारोगे, चाहे आपके सामने जेम्स हो तब भी सिक्स मारोगे, लक्ष्य हो तब भी सिक्स मारोगे। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। मोस्टली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ये देखा है, जब भी कोई राइट हैंड बैट्समैन खेल रहा होता है ना, तो उसके सामने या तो सुहास रख दिया जाता है, जेम्स रख दिया जाता है, जिससे कि बंदे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आप लोगों का ऐसी ट्रिक बताऊँ, इसके बाद आपको कोई मैच हारोगे नहीं, हर मैच जीतोगे। तो आप मेरी प्लेलिस्ट ऐड हो रखी है मेरे चैनल पे, आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में एक एक चीज़ की ट्रिक्स देख सकते हो। ठीक है, वीडियो को देर ना करते हो, आगे बढ़ाते हैं। अब मैं पहले अपना बैट्समैन चुन लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अभी तो केन है जो मैं हमेशा खेलता था। बैट्समैन पर क्लिक करें, इसको रिमूव करते हैं। अब देखते हैं कौन लेगा बैटिंग, किसको दे किसको दे किसको दे। एम के सिंह को ले लो, तो राइट हैंड बैट्समैन है, अच्छा बैट्समैन है। चलो भैया, हम देखते हैं कि अब क्या हमारी ट्रिक फॉलो करेगी नहीं करेगी, लेकिन 101% ये ट्रिक फॉलो करेगी जो मैं आपको बता हुआ। मेरा एक्सपीरियंस करके मैं ये गेम आपके लिए गेम लाया हूँ, एक्सपीरियंस किया है। अगर आप मेरे को फॉलो करोगे, मैं 101% आपको कोई ऐसा मैच नहीं होगा जो आप हारोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ पर बेवकूफ़ी करके दिखाऊंगा कैसे हम बेवकूफ़ी करते हैं। पहले हम लोगों की बॉल समझ नहीं पाते, जब सुहास आ जाता है, जेम्स आ जाता है, तो हम बेवकूफ़ी क्या करते हैं, हम कहीं पे भी बैट चला देते हैं बिना देखे, जैसे कि ये। इससे क्या होता है, रन तो हमें मिलते हैं लेकिन इतने रन नहीं चाहिए होते, क्योंकि 6 बॉलों में कम से कम रन तो इतने हो, 30 के ऊपर होने चाहिए। 3 रन मेरे लिए कुछ नहीं है। अब हम उसको सही कैसे कर सकते हैं, आप स्क्रीन पे देखो। जब भी आपके राइट हैंड बैट्समैन हो, सुहास ऑफ स्पिनर हो, तो हमेशा ऐसे एंगल लो और राइट हैंड साइड शॉट उड़ाओ, जैसे आपने मेरी दी। राइट हैंड साइड की शॉट लेना, फ्रंट फुट के साइड शॉट मत लेना, नहीं तो आउट हो जाओगे सुहास पे। या तो आप राइट हैंड साइड लो, नहीं तो टाइम देख के लेफ्ट हैंड साइड शॉट लो। देखो दोस्तों, दोबारा करके दिखा रहा हूँ मैं, फिर से मैंने ऐसी खेली राइट हैंड साइड, जिस डायरेक्शन में अब ना ये ना इस ये जो गोल सर्कल ना जो इसके घूम रहा चारों तरफ, इसको ना पीछे खींच क्लिक करके लाया करो, जैसे कि ये देखो दोस्तों ये। चलो इसमें नहीं गया, लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसे आप टाइम के हिसाब से खेलोगे ना, 101% सिक्स जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 101% चांसेस है जाने के। ठीक है, अब देखते भैया ये कैसे बॉल फेंक रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड की शॉट लेके दिखाता हूँ। दोस्तों देखो, अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड भी खेल सकते हो, राइट हैंड साइड भी। जेम्स की ट्रिक की बात करते हैं, जब भी जेम्स की ट्रिक फॉलो करने लगे हो, तो इसको इसकी बॉल को आने दिया करो और फिर उसके हिसाब से एंगल शॉट लिया करो, या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। जैसे कि बॉल आई और मैंने इसको राइट हैंड साइड में शॉट ले दी, ठीक, क्योंकि राइट में ही बॉल मुड़ी थी ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड शॉट मुड़ी होती, टाइम देख के ना सीधा लेफ्ट हैंड साइड ले लेना। ये गोल चक्री जो घूम रही होती ना इस बैट्समैन के ऊपर, इसकी बॉल को ना आने दिया करो। अब जैसे कि ये आ रही है, रुको, ध्यान से देखो, मुड़ी फिर से शॉट दे दी। टाइम रखना है दोस्तों, पहले बॉल को आने दो, फिर उसके हिसाब से शॉट लो। अब मैं आपको दूसरे मैच में लेके चलता हूँ। अब मेरे पास मैंने एक और मैच लगाया था लक्ष्य, जब लक्ष्य की बॉल आ रही हो ना, तो लक्ष्य की बॉल लेफ्ट हैंड साइड खेला करो, जैसे कि ये वाली, क्योंकि राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे ना, ये फील्डर वाला जो सर्कल, यहाँ पर ना एक बंदा प्लेयर खड़ा हुआ था, इसलिए मैंने हमें लेफ्ट हैंड साइड शॉट खेल दी। अब ये जेम्स को रख रहे हैं, जेम्स की बॉल को आने दो, दोबारा देखते हैं हम कैसे खेले। जेम्स की बॉल को आने दो, इसको मैं कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को पता है पक्का मुड़े हुए देखा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर कितना अच्छा टर्न होगा इसका, नहीं हुआ टर्न, लेकिन इसमें ज़्यादा रन नहीं मिलेंगे, लेकिन 3 रन तो आएगी आएगी, बाउंड्री में सिर्फ 1 रन बच गया था। अब हम नेक्स्ट मैच में नेक्स्ट बॉल पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, मैंने इसमें लक्ष्य की ट्रिक बता चुका हूँ, जेम्स की ट्रिक बता चुका हूँ, सुहास की ट्रिक बता चुका हूँ। अब भैया यहाँ पर देखते हैं, ये देखो दोस्तों, जेम्स की ट्रिक आई, मैंने लेफ्ट हैंड साइड शॉट ले लिया, ठीक है। लक्ष्य की ट्रिक में हमेशा आप राइट हैंड साइड ले दिए, लक्ष्य की ट्रिक में लेफ्ट हैंड साइड में लेना जब लक्ष्य बॉलर हो। सुहास की बॉल देख के खेला करो, या तो लेफ्ट में लो, लेफ्ट में ले लो ये शॉट, उठा के खेला मैंने, लेफ्ट में ले लो ये शॉट। टाइम रखो, क्योंकि राइट हैंड साइड क्यों नहीं लिया उसका भी रीज़न बता दो, 4 प्लेयर खड़े हुए थे। अब आते हैं दूसरे, मैं इसमें सिर्फ बैटिंग ही दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाए। अब चलो सुहास को भेजा है इसने, सुहास की ट्रिक को फॉलो करने के लिए राइट हैंड साइड शॉट लो, जैसे कि ये
राइट लेफ्ट ले सकते हो, लेकिन लेफ्ट में प्लेयर खड़े हुए हैं इसलिए मैंने लेफ्ट में नहीं लिया। लेकिन अगर आप परफेक्ट हो फ्रंट फुट पे मत खेलना, मैं लास्ट टाइम भी कह रहा हूँ फ्रंट फुट पे क्या होता है कैच होने के चांसेस होते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसलिए राइट में शॉट लो, लेफ्ट में शॉट लो, जब भी सुहास हो जेम्स की बॉल को आने दो, फिर उसके हिसाब से शॉट लो। टाइम के हिसाब से खेलनी है जेम्स की बॉल, याद रखना। लक्ष्य की बॉल लेफ्ट हैंड साइड शॉट लो। आगे बॉलर्स की बताऊँगा किससे शॉट लेनी है, अभी तो ये ट्रिक मैं आपको बताया ताकि आप हर मैच जीत सको। तो ठीक है, आप इसको बॉल को रिमाइंड करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। तो सुहास की बॉल हमेशा राइट हैंड साइड ही खेलने की कोशिश करना। अब आपको दोस्तों ये वीडियो लंबी है लेकिन आपके ही बेनिफिट के लिए मैंने इसमें हर चीज़ कवर करी है, ताकि आप मेरे भाई लोगों को कोई दिक्कत ना आए, मेरे सारे जितने भी दोस्तों हैं YouTube फैमिली है किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल आपके सब्सक्राइब लाइक बिल्कुल, लाइक तो आता ही नहीं है बिल्कुल दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बाद भी लाइक नहीं आ पाता, तो प्लीज़ लाइक करके जाना वीडियो को, और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आपको मेरे भाइयों, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब जब भी आपको ना, अब देखो ये डायरेक्शन बदल रहा है, अब आप सोचोगे भैया राइट हैंड साइड ले दो, मत लेना राइट हैंड साइड शॉट, बॉल आएगी लेफ्ट में और ऐसे लेफ्ट में शॉट लेना, फोर चला जाएगा। ऐसी ट्रिक, अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं न्यू वीडियो दोबारा बना दूँगा आपके लिए। ओके बाय।